श्री प्रह्लाद उवाच कौमारे आचरेत्याज्ञ धर्मान् भागवतान्य दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अद्रुवं अर्थदम्। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत्याज्ञो धर्मान् भागवतानि दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अद्रुवं अर्थदम्। श्री प्रह्लाद उवाच कौमारे आचरेत्याज्ञो धर्मान् भागवतानि दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अद्रुवं अर्थदम्। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत्याज्ञो धर्मान् भागवतानि दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अद्रुवं अर्थदम्। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत्याज्ञो धर्मान् भागवतानि दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि ध्रुवम् अर्थदम्। श्री भगवान् उवाच कौमार आचरेत्याज्ञो धर्मान् भागवतानि दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अद्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रह्लाद उवाच प्रह्लाद महाराज ने कहा कौमारा बाल्यकाल में आचरेत अभ्यास करे प्राज्ञः बुद्धिमान व्यक्ति धर्मान् वृत्तिपरक कर्तव्य भागवतान् जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा है इस जीवन में दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ मानुषम मनुष्य का जन्म तत वह अपि भी अध्रुवम नश्वर अर्थदम अर्थ से पूर्ण। तात्पर्य और अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। प्रह्लाद महाराज ने कहा पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति
नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसा कि भगवत गीता 2:40 में पुष्टि की गई है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य प्रायते महतो भयात्। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देती है कि जन्म संख्या न बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दे, और यदि देवयोग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निस्संदेह लोग कुकुरों सूकरों की भांति जी रहे हैं और 84 लाख निम्न जीव योनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न जा गिरे। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। सारे विद्यालयों महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवद गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारे और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यता। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जरा मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमरंदस्य ज्ञानांजनशलाकाय चतुर्मिलितयेन तस्मै श्री गुरवे नमः। मञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यपाणी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. So Prahlad Maharaj was requested by all of his schoolmates in the Gurukula to tell them why he did not take part in all of their games. तो प्रहलाद महाराज के सारे जो विद्यालय हैं उनके दूसरे छात्रों ने उनसे विनती की बताने के लिए कि क्यों उनके खेल में वो भाग नहीं लेते हैं. प्रहलाद was born in a family of asuras. His father was Hiranyakashipu, he was the king of the demons. And so his father wanted his son to be educated to be a good materialistic demon like him. Prahlad Maharaj, kripya mobile band kar dijiye please. Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj ka janam asuron ke parivar mein hua tha. इसलिए उनके पिता हिरण्यकशिपु चाहते थे कि वो असुरों के गुरुकुल में जाके उनकी शिक्षा प्राप्त करे. We say like father, like son, right? Yes. The son should follow the father. So Hiranyakashipu was a great materialistic person, and he wanted his son to be also a good materialistic demon like him. So put him in the Gurukula with the children of other demons, and by association he will also become a good demon. तो हमने ये कहावत सुनी होगी, जैसा बेटा जैसा पिता वैसा बेटा. तो उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह हो, इसलिए उनको वो उसी प्रकार के विद्यालय में डाला था ताकि उसी प्रकार के राक्षसों का संग करके वो भी उसी की तरह शिक्षा प्राप्त करके उन्हीं की तरह बने. Education, the beginning of education is very important time for children. They need to be put into the right atmosphere to cultivate their proper training culture. तो विद्या की शुरुआत जो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस समय उन्हें सही वातावरण में डालना चाहिए ताकि सही संस्कृति और सही उनका क्या व्यवहार होना चाहिए वो सीखें. So Prahlad was in the Gurukula for the asuras, but he wouldn't play with them. He wouldn't take part in all the things which they were doing. So the other children were surprised and they said, well Prahlad, why don't you play with us? तो प्रहलाद महाराज असुरों के गुरुकुल में थे, तो जो दूसरे छात्र हैं वो कार्य प्रहलाद महाराज नहीं करते थे जो दूसरे छात्र करते थे, उनके तरह खेल खेलना और ये सब. तो उनके जो दूसरे मित्र हैं गुरुकुल में वो उनसे पूछते थे, प्रहलाद महाराज आप हमारे साथ क्यों नहीं खेलते हो? So in response to the question of the other boys, Prahlad Maharaj began to speak to explain to them why he didn't take part. So कुछ छात्रों को उत्तर देने के लिए प्रहलाद महाराज ने अभी ये जो आगे कहेंगे वो उनको उत्तर देंगे कि क्यों वो उनके साथ नहीं खेलते हैं. So Prahlad is describing that, you see Prahlad Maharaj, he had already had education before he came to the Gurukula. He had already been in the ashram of Narada Muni. तो प्रहलाद महाराज पहले से ही शिक्षित थे गुरुकुल में आने के पहले. गुरुकुल में आने के पहले ही उन्होंने ज्ञान पाया था नारद मुनि के आश्रम में. At that time, he was in the womb of his mother. उस समय वो अपने माँ के गर्भ में थे. But although he was in the womb, still he could hear everything. And Narada Muni was reading the scriptures. He was telling the mother of Prahlad about what the scriptures say, and the mother was hearing, and Prahlad was also hearing. उस समय
नारद मुनि उनसे बात कर रहे थे और प्रहलाद महाराज उनकी माँ के गर्भ में थे और नारद मुनि प्रहलाद महाराज के माता को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में थे उनकी माता भी सुन रही थी और प्रहलाद महाराज भी सुन रहे थे. So Prahlad Maharaj had heard from Narada Muni and from the Shastras. So he developed a lot of spiritual knowledge. Although he had not even taken his birth yet, he'd been hearing the transcendental sound vibrations. So Prahlad Maharaj, हालांकि उनका जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन वो उनके माँ के गर्भ में थे, तो नारद मुनि से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि वो ये आध्यात्मिक ध्वनि सुने थे. The transcendental sound is very powerful and it affects even the child in the womb of the mother before they even take birth. It's very important therefore that they have to hear transcendental sound vibration. तो ये जो आध्यात्मिक दिव्य ध्वनि है ये बहुत शक्तिशाली है. तो माँ के गर्भ में भी जो बच्चा है वो बाहर नहीं निकला है, ये उसको भी प्रभाव डालती है, इसलिए माताओं को आवश्यक है गर्भवती अवस्था में ये आध्यात्मिक दिव्य ध्वनि सुने. They find that mothers who are sitting watching Bollywood movies or some other movies all day, then those kind of sound vibrations coming from movies has a very bad effect on their children. Because they're pregnant ladies and they're sitting watching television, and if they watch these programs, it has a very bad effect on their child after birth. तो ऐसा देखा गया है कि जो माताएं गर्भवती अवस्था में बैठ के सिनेमा बॉलीवुड के गाने और पिक्चरें देखती हैं, तो इस प्रकार की माताओं को जो बच्चा है गर्भ में उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है और बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जो इस प्रकार की चीजें देखती हैं. But Prahlad was very fortunate that his mother was taken by Narada Muni, and Narada Muni brought his mother to the ashram, and in the ashram Narada Muni was reading the scriptures and preaching to the mother, and the child was in the womb, the child was also hearing. तो प्रहलाद महाराज बहुत भाग्यशाली थे क्योंकि उनके माँ को नारद मुनि अपने आश्रम में ले आए थे और शास्त्र सिखा रहे थे और प्रहलाद महाराज जो उनके गर्भ में था वो भी इसको सुन पा रहे थे. So Prahlad Maharaj is explaining to the children why he didn't play all their games with them. He said, from the beginning of life, from the early, very early in life, one should learn about spiritual knowledge and devotional service. तो प्रहलाद महाराज अपने जो मित्र हैं उनके गुरुकुल में उनको सिखा रहे हैं, उनको उत्तर दे रहे हैं कि क्यों वो ये खेलों में भाग नहीं लेते हैं जो वो खेला करते हैं. तो प्रहलाद महाराज ऐसा कह रहे हैं कि जीवन के शुरुआत से ही हमको आध्यात्मिक विषय, आध्यात्मिक जीवन क्या है इसके बारे में सीखना चाहिए. The children's childhood is divided into three sections. First there's Kumar. First 5 years called Kuma, and then from 6 to 10 that is Boganda, and then 11 to 15 that is Kaishor. तो बचपन तीन भाग में होता है, शून्य से लेके 5 साल तक कुमार, 5 से 11 तक बोगंडा और 11 से 16 तक कैशोर. So this means Prahlad Maharaj is saying Kumar Acharit, from the beginning of life, as early as possible, children should be learning what is Bhagavad Dharma. तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं यहाँ पर कौमारम अवस्था में जो शून्य से लेके 5 साल की अवस्था है उसी में बच्चे को सीखना चाहिए कि भागवत धर्म क्या है. And we see children, young children who come and sit in the Bhagavad class, they develop very good qualities, very wonderful character because of hearing the transcendental sound vibration from the discourses. और हम देखते हैं कि जो बच्चे इस प्रकार छोटी उम्र में ही आके श्रीमद् भागवत की कथा में बैठते हैं वो बहुत अच्छे गुण विकसित कर पाते हैं ये आध्यात्मिक कथाएं सुन के.
So we said the childhood is divided into three, the same way the human life is divided into four. There are four different ashrams. It begins with the brahmacharya, the student life. And then student life is followed by grihastha life. And grihastha life is followed by vanaprastha life. And then vanaprastha means retired. And then after vanaprastha life, there may come renounced life, which is called sannyasa. तो हमने देखा बचपन तीन भागों में बांटा जाता है, उसी प्रकार से पूरा जीवन जो है वो चार भागों में बांटा जाता है। पहला है ब्रह्मचार्य यानी शिक्षक, हम शिक्षा लेने का आश्रम, हम शिक्षा लेते हैं। फिर है गृहस्थ आश्रम, पारिवारिक आश्रम। तो इस पारिवारिक आश्रम के बाद हम आगे जाते हैं तो वानप्रस्थ आश्रम आता है, और फिर सही से मैं वानप्रस्थ समाप्त होने के बाद फिर कई संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं। So, beginning of life is called brahmacharya life, the student life. Young boys, they should go to the school and they should be trained in the brahmacharya life, controlling their mind and controlling their senses. तो ब्रह्मचार्य जीवन मतलब छात्र का जीवन, हम पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। तो इस समय उस बालक को जाके गुरुकुल में शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे मन और इंद्रिय को काबू में रखा जाए। Just like Lord Krishna, after he had killed after he killed Kamsa, then Vasudeva and Devaki, his mother and father, they wanted to send Lord Krishna to the Gurukula to get his education. जैसे कृष्ण के किस्से में वासुदेव और देवकी, जब कंसा का वध, मतलब आफ्टर दी किल्ड कंसा का वध करने के बाद, उसके माता पिता चाहते थे वासुदेव और देवकी के कृष्ण भी जाए और गुरुकुल में शिक्षा ले। वासुदेव और देवकी had been in the prison of Kamsa for many years, and year after year they'd given birth, and Kamsa had killed the children. He killed 6 children of Devakis. तो वासुदेव और देवकी कई समय तक कंसा के कारागार में रहे थे, और इस दौरान में कंसा ने काफी बच्चों को, 6 बच्चों को, 6 संतानों को वासुदेव और देवकी के मारा था। And then when Lord Krishna was born, Lord Krishna was the 8th child. Then Lord Krishna, of course, grew up in Vrindavan, and he was enjoying pastimes in Vrindavan. And Kamsa sent many demons there to try to kill Krishna, but Krishna killed all the different demons who came there. तो भगवान कृष्ण भी वृंदावन में बड़े हुए, और उनके बाल्य लीलाओं को उनके माता पिता जो वृंदावन में उसका आनंद ले रहे थे, परंतु कंसा बहुत राक्षसों को बेचता था कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन तो भी वो कृष्णा को नहीं मार पाए, लेकिन जो भी राक्षस वहां आते थे कृष्णा उनका वध कर देता था। So then Kamsa arranged a wrestling match in Mathura, and he had Krishna and Balaram come from Vrindavan to take part in the wrestling match. फिर कंसा ने कुश्ती का कार्यक्रम आरंभ किया मथुरा में, और उसने कृष्ण और बलराम को निमंत्रण भेजा कि आके इस कुश्ती में भाग ले। So Lord Krishna and Lord Balaram, they fought these wrestlers, and then Kamsa became very angry, and Kamsa came with his sword to attack Krishna. So Krishna had to kill him. He killed Kamsa. तो कृष्ण और बलराम ने इन कुश्ती में जो लड़ने आए थे उनको हरा दिया, और ये देख के कंसा को गुस्सा आया, और कंसा तलवार लेके आया कृष्ण बलराम पर हमला करने के लिए, इसलिए कृष्णा ने कंसा को भी मार दिया। And after he killed Kamsa, then Vasudeva and Devaki were released from the prison. They had been prisoners in the jail for a long time. But then Krishna could release them after he killed Kamsa. और कंसा को मारने के बाद कृष्णा ने जाके वासुदेव और देवकी को कारागार से निकाला। काफी समय तक कंसा ने देवकी और वासुदेव को वहां पर बंदी बना के रखा था, लेकिन कंसा का वध करने के बाद कृष्णा ने जाके उनको वहां से छुड़ा दिया।
Lord Krishna and Lord Balaram had spent their childhood in Vrindavan, in the home of Nanda Maharaj, and they'd grown up taking care of the cows, so they didn't get really any education there. तो कृष्ण और बलराम ने अपना बचपन बिताया था नंद महाराज और यशोदा माँ के घर में वृंदावन में, और वहां पर वो गोप थे, वो गायों की देखभाल करते थे, तो वहां पर उन्हें ज्यादा शिक्षा नहीं मिली थी. If you're in the Vaishya family, if you're in the family of the coward people, you don't need to go to school, you know, you don't need to learn all these things which they teach you in the school. You just have to take care of the cows. अगर हम वैश्य परिवार में हैं, हमको सिर्फ गाय चरानी है, तो जरूरी नहीं होती है विद्यालय जाके शिक्षा लें, हमें तो सिर्फ गाय की देखभाल करनी होती है. So Lord Krishna and Lord Balaram had been very happy there in Vrindavan. But now they'd come to Mathura, Vasudeva and Devaki, they wanted their two children, Krishna and Balaram, that they should get education. So they sent them to the Gurukula. तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम बड़े हुए थे वृंदावन में नंद महाराज माँ यशोदा के वहाँ. लेकिन जब अब वो आए वासुदेव और देवकी के पास, तो उनकी इच्छा थी कि अब कृष्ण और बलराम गुरुकुल जाके कुछ शिक्षा लें. The guru was Sandipani Muni and his place was in Avantipur. Avantipur today is called Ujjain. So Lord Krishna and Lord Balaram went there to the Gurukul and they learned everything from Sandipani Muni. So Krishna and Balaram ne Gurukul mein shiksha li, unke shikshak the, unke guru the Sandipani Muni, और उन्होंने ये शिक्षा ली अवंती में, अवंतीपुर में. तो ये अवंतीपुर आज के समय में, हमारा आधुनिक युग में इसको उज्जैन कहते हैं. तो ये उज्जैन जो आधुनिक उज्जैन यानी पहले का अवंतीपुर, यहाँ पर कृष्ण और बलराम गए और संदीपनी मुनि के निर्देशन में शिक्षा ली. कृपया मोबाइल फोन प्लीज बंद कीजिए. So Lord Krishna and Lord Balaram, they don't need really any education because they're the Supreme Lord. They don't need to get that education, but to show the example for others, they went to Gurukula and they learned everything. तो कृष्ण और बलराम को कोई शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए एक उदाहरण, वे संदीपनी मुनि के पास गए और शिक्षा लिए. So it's very important. You have some children, you want to get them a good start in life. And the good start in life is to learn Bhagavad Dharma, to learn what is devotional service. ये बहुत महत्वपूर्ण है. आपको जीवन में बच्चे हैं, आपको उनको सही शुरुआत देनी है. सही शुरुआत का अर्थ है उनको, हमको ये सिखाना है कि भागवत धर्म क्या है, ये भक्ति क्या है. Brahmachari life means to learn Bhagavad Dharma, to learn how to hear and how to chant. And if you learn these things, if you get the good education, then it's very helpful throughout life. तो ये ब्रह्मचारी जीवन है कि हम सीखें जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे कैसे प्राप्त करना है. और अगर इस प्रकार का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान अगर हम जीवन के शुरुआत में सीखते हैं, तो ये पूरे जीवन में बहुत लाभदायक होगा. So we encourage all of our devotees who have young children to try to train their children in spiritual knowledge, to see that their children get that nice education. तो जो भी भक्त हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, युवक बच्चे हैं, हम उनको उत्साहित करते हैं, प्रभावित करते हैं कि वे अपने बच्चों को ये आध्यात्मिक शिक्षा दें, ताकि उनको अच्छे शुरुआत से ही आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त हो. Usually what happens is people just spend their time going to mundane schools to learn material knowledge, learn computer programming, learn how to work with the robots. And we spend our time doing learning all of these things. तो आम तौर पे क्या होता है, पिता माता अपने बच्चों को सामान्य विद्यालयों में भेजते हैं,
जहाँ पर उनको सिखाया जाता है कंप्यूटर कैसे चलाना है, रोबोटों के साथ कैसे काम करना है, तो ये प्रकार की सामान्य चीजें ही बच्चे सीखते हैं। We want to encourage our children to develop spiritual knowledge, to get a taste for hearing and chanting, learning different slokas and reciting the mantras. तो हमको हमारे बच्चों को प्रभावित करना है आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ने में, शास्त्र पढ़ने में, आध्यात्मिक ज्ञान पाने में, श्लोकाओं को पढ़ने में, इस प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा देनी है। Srila Bhaktivinoda Thakur, our acharya in the line of the disciplic succession, he was a family man and he had, I think it was 11 children. So he trained all of his children to help him in preaching Krishna consciousness. Srila Bhaktivinoda Thakur ek grahast vyakti the, grahast ashram mein the aur unke 11 bachche the. और उन्होंने सबको शिक्षित किया इस शिक्षा में कि वो उनकी सहायता करें कृष्ण भावनामृत प्रचार करने में। And of course one of his sons was Bhima Prasad, who went on to become Bhaktisiddhanta Saraswati, and he became the founder of the Gaudiya Math, and he was the initiating spiritual master of our founder Acharya Bhaktivedanta Swami Prabhupada. तो औशला भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक पुत्र थे विमल प्रसाद, जो आगे जाके शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बने, जो जिन्होंने गौड़िया मठ की संस्थापना की और वो ही हमारे शिला प्रभुपाद जी के दीक्षा गुरु थे। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ चिल्ड्रन शुड बी गिवन अ गुड स्टार्ट इन देयर लाइफ to learn to hear the mantras, to come to the temple and to be with devotees. This training is very important. तो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के शुरुआत में ही बच्चों को यह आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए, ताकि हमारे वो मंदिरों में आए, भक्तों के साथ संग करें, भक्तों से सीखे, इस प्रकार का शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। Sometimes materialistic, ordinary people think, oh, why we should go to temple? No, it's a waste of time. Let my children study at home. Why they should go to temple and waste the time there, they think. तो बहुत बार आमतौर पे व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा को क्यों मंदिर जाना है? वहाँ जाके क्या सीखेंगे? वो तो समय का बर्बादी हो रहा है. क्यों उनको मंदिर जाएं? But everything they learn in their educational studies in the colleges and schools, it is all mundane material knowledge. It's all in relation to the body and to sense gratification. परंतु जो कुछ वो सामान्य विद्यालय में सीखते हैं, वो तो आम तथाकथित शिक्षा है, जो केवल इस भौतिक शरीर और इंद्रिय तृप्ति के ऊपर आधारित है. So we have some nice examples in our Krishna consciousness movement of devotees who didn't go to school but who learned everything at home. तो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमको अच्छे उदाहरण हैं ऐसे भक्तों के बच्चों से, जो कभी ये हमारे भौतिक विद्यालय में नहीं गए और सब शिक्षा घर में प्राप्त की. Just like Guru Keshava here, he studied at home, he didn't go to school, he had homeschooling from his parents. जैसे कि गौर केशव प्रभु यहाँ अच्छे उदाहरण है, ये कभी विद्यालय नहीं गए, इन्होंने घर में ही इनके माता पिता से विद्या प्राप्त की. But he can recite so many nice mantras, he can do nice kirtan, he's a staunch devotee. तो वो इतने मंत्र बोल सकते हैं, अच्छा कीर्तन कर सकते हैं, बहुत दृढ़ भक्त है. And we have other devotees in the USA, for example, there's one family and they're Guptas, they're from North India, and they have two sons, and one of them went on to become a professor in the field. They both did their PhDs and one of them went on to become a professor in the university, and the other one is also teaching artificial intelligence.
और एक और ऐसा परिवार है यूएसए में, गुप्ता परिवार है, उनके भी दो पुत्र हैं, वे भी आगे जाके उनके पुत्र एक पीएचडी बना और एक पुत्र शिक्षक है, वो विद्यालय में सिखाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाता है. He graduated from Massachusetts Institute of Technology, a very prestigious institute in America. He studied there and then went into further education. तो जो MIT है, Massachusetts Institute of Technology, उधर से उनके पुत्र ने ग्रेजुएशन पूरा किया और आगे और पढ़े. But they're all devotees. They're staunch devotees of Lord Krishna. And they follow very strictly. They've been brought up in a devotee family from their childhood. They've been hearing and chanting. परंतु ये बहुत दृढ़ भक्त हैं. इनका इन ये बड़े हुए हैं भक्तों के परिवार में बचपन से ही, और पहले से ही ये अच्छा श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं. And they never went to mundane educational schools until they went to university. और ये कभी भी कोई साधारण शिक्षालय में नहीं गए जब तक ये महाविद्यालय में नहीं गए. Their mother taught them at home. Their mother taught them using Prabhupada's books. उनकी माँ ने उनको घर में सिखाया. कैसे सिखाया? श्रीला प्रभुपाद जी की पुस्तकों से. Everything is there in the pages of Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita. You can learn all kinds of knowledge. सब कुछ है श्रीमद् भागवतम के पन्नों में, भगवत गीता के पन्नों में, श्री चैतन्य चरितामृत के पन्नों में आप पूरा ज्ञान पा सकते हैं. But when you go to mundane educational institutes, then they will involve you in so many mundane activities. You have to play football, you have to play basket, you have to play this ball game, you have to play that ball game. You have to pass so much time in mundane activities. लेकिन अगर आप ये सामान्य विद्यालय जाओगे तो आपको वहाँ पे और चीजें सिखाते हैं गलत, और गलत कार्यों में लगाएंगे. फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये बॉल, वो बॉल, और आपको इस प्रकार समय बिताना पड़ेगा. So you can avoid all of these things by having a nice Krishna conscious childhood, learning the devotional arts, beginning with hearing and chanting. तो आप ये सब चीजों से बच सकते हैं, अच्छा कृष्ण भावनामृत का बचपन बिता सकते हैं और विभिन्न प्रकार की कृष्ण भावना भावित कलाएं सीख सकते हैं जिनकी शुरुआत होती है सुनने श्रवण से और कीर्तन से. So Prahlad Maharaj explained to his friends in the Gurukula how the nature of human life is that every day you sleep so many hours. How many hours you sleep a day? Maybe 8 hours a day. And so if you sleep 8 hours a day, if you live 100 years, then 33 years are spent sleeping. तो प्रहलाद महाराज अपने शिक्षकों को, अपने छात्रों को बता रहे हैं कि किस प्रकार हम समय बर्बाद करते हैं. तो हम कितने घंटे रोज सोते हैं? 8 घंटे अगर हम सोएंगे, और अगर हम 100 वर्ष तक जिए तो इसका मतलब 100 वर्ष में से 33 वर्ष हम सोए हैं. And then the first 20 years of our life are spent going to mundane schools and playing ball games and being with all the other non-devotees in the educational institute. और पहले 20 साल हम बर्बाद कर देते हैं इस प्रकार से विद्यालय में जाके और बच्चों के साथ विभिन्न विभिन्न प्रकार के खेल खेलने में, इसमें 20 साल निकाल देते हैं. And then when you get old, once you get over, you know, an old age, very quickly the body breaks down and you cannot hear, you cannot see, you have so many problems with the material body in old age. So the last 20-30 years are spent with so much trouble. और फिर जब हम आखिरी के 20 साल जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो इतना समय उधर बर्बाद हो जाता है, ना अच्छे से हम देख सकते हैं, ना अच्छे से सुन सकते हैं, इंद्रिय काम नहीं करती है. इस प्रकार से बुढ़ापे में 20 साल निकल जाते हैं. And during the daytime you get a job, you have to work long hours from early in the morning till late at night, working in the job. Where is the time? और बीच में
जो समय मिलता है उसमें हम काम कर रहे हैं, इतना समय हम काम कर रहे हैं, दफ्तर में जाके काम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, तो किधर समय मिलेगा? All the time practically gone. Where is the time to study Srimad Bhagavatam and to be with devotees? Very, very rare. तो पूरा समय तो ऐसे ही निकल गया, तो कहाँ समय मिलेगा श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए और भक्तों के साथ बैठने के लिए? So Prahlad Maharaj was appealing to the friends and his classmates in the Gurukula, don't waste your life in this way. तो प्रहलाद महाराज के जो छात्र हैं गुरुकुल में वो उससे विनती करते हैं उनसे कि कृपया ऐसे अपना समय बर्बाद मत कीजिए. He said, human life is very special, very fortunate to have the human body. मनुष्य जीवन बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्य है अगर हमको मनुष्य शरीर मिला है तो. And we are more fortunate because we have the association of devotees. और हम अधिक भाग्यशाली हैं क्योंकि हमको भक्तों का संग है. In the association of devotees, we can cross over the ocean of birth and death. और भक्तों के संग में हम जन्म मृत्यु के सागर को पार कर सकते हैं. So in this way, Prahlad Maharaj was explaining the value of, or the importance of using this childhood to become Krishna conscious. इस प्रकार से प्रहलाद महाराज इस बात का मूल्य बता रहे हैं कि कैसे बचपन के समय को हम उपयोग करें कृष्ण भावना भावित होने में. Of course, even in old age, you can begin Krishna consciousness. बेशक बुढ़ापे में भी हम कृष्ण भावना अमृत आरंभ कर सकते हैं. At any point in your life, you can begin Krishna consciousness. जीवन के किसी भी समय में कृष्ण भावना भावित होना शुरू कर सकते हैं. But it's so much easier if we begin in the very beginning of life to become Krishna conscious. परंतु ये बहुत आसान है अगर हम जीवन के शुरुआत में शुरू कर दें. So Prahlad Maharaj, he had understood like this. And he's encouraging all the other boys not to waste their life, not to go and get too much entangled in all the mundane material activities. तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने दूसरे छात्र मित्रों को बोल रहे हैं कि समय ना बर्बाद करें और ये हमें बद्ध करने वाली भौतिक कार्यों में न लगे. Time is very valuable thing. Chanakya Pandit said, you can buy gold, but you cannot buy time. समय बहुत कीमती चीज है. चाणक्य पंडित ने कहा है, हम सोना खरीद सकते हैं लेकिन समय नहीं खरीद सकते. We waste our time in so many foolish childhood pursuits, and then again, then in old age, so much time is spent wasted. We have to learn how to make use of this human life. इस प्रकार से समय अगर हम बर्बाद करेंगे बचपन में और फिर बुढ़ापे में भी अगर हम समय बर्बाद करेंगे तो ये सही नहीं है. हमको समझना है कैसे ये मनुष्य जीवन का उपयोग करना है. Of course, people will say, "Well, I have to work. I have a job. I have to support my family." Oh yes, you have to work, but you have a duty also. To develop your Krishna consciousness. तो लोग कहेंगे नहीं मेरे पास नौकरी है, मुझे नौकरी करना है. हाँ आपको नौकरी करना है लेकिन इसके साथ साथ आपका एक और कर्तव्य है कृष्ण भावना भावित होना. If we lose this opportunity, then we are very foolish, we are very unfortunate. We want to learn how to make the good use of this human life. By developing a taste for hearing and for chanting and associating with devotees. तो अगर हम ये अवसर खो बैठेंगे तो बड़ी मूर्खता का कार्य करेंगे. हमें सीखना है ये जीवन कितना मूल्यवान है और कैसे हमें समय बिताना है कृष्ण भावना भावित होने में और भक्तों का संग करने में. So Prahlad Maharaj was so merciful, he instructed all of his classmates not to waste their time and all the things which children usually do, playing ball games. Nowadays we have
people have mobile phones, they have games on their mobile phone, and they will spend hours playing games, stupid games on a mobile phone. तो प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से कह रहे हैं कि किस प्रकार वो अपना समय बर्बाद ना करें खेल कूद में, ये बॉल के साथ गेम खेलने में. और आजकल तो हमारे हाथों में मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन में भी इतने प्रकार के खेल निकले हैं और लोग ये बेवकूफी के खेलों में इतने घंटे इतना समय बर्बाद कर देते हैं. But if they would just spend a little time to chant the holy name, to chant the maha mantra, then that little progress in devotion, that can save one from the greatest danger. परंतु अगर वो भक्ति में, कृष्ण भावना में होने में अगर थोड़ा भी समय बिताते हैं तो थोड़ा बिताया हुआ समय उन्हें बड़े खतरे से बचा सकता है. So we see the value of a moment's association with the devotee. It cannot be compared to anything from heaven or any kind of liberation which you could get from material life. तो इस प्रकार से भक्त के साथ बिताया गया हुआ थोड़ा भी क्षण हम इसकी तुलना नहीं कर सकते स्वर्ग लोक से या मुक्ति प्राप्त करने से भी. Because in that association with the devotee, one can learn, one can have the opportunity to cultivate this devotional service. क्योंकि भक्तों के साथ जो संग करके एक क्षण में भी हमें अवसर प्राप्त होता है भक्तिमय जीवन के बारे में, भक्तिमय जीवन हमारे जीवन में विकसित करने के लिए. So Lord Chaitanya came to teach everyone to chant the holy name. We are trying to give the holy name. And Prahlad Maharaj is also encouraging his classmates. They should also take to hearing the holy name and chanting the holy name. तो प्रहलाद महाराज तो चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देने आए कि कैसे हमें भगवान का नाम जप करना है. और प्रहलाद महाराज भी अपने छात्रों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि उनको समय उपयोग करना है भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण में. In this Kali Yuga, there is no other way but the chanting of the holy name. इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है सिवाय भगवान के नाम के जप के. So it's very important for all of us. And the children, they can also chant, they can also have kirtan, engage them in kirtan at home. और बच्चे भी घर में कीर्तन कर सकते हैं, माता पिता उन्हें लगा सकते हैं घर में कीर्तन करने के लिए. We say the family which prays together stays together. Yes. हम कहते हैं, ये अंग्रेजी कहावत है कि एक परिवार जो साथ में प्रार्थना करता है वो साथ में रहता है. And the family which chants together, they advance together. और जो परिवार साथ में जप करता है वो साथ में प्रगति करता है, आध्यात्मिक प्रगति. So we want all of you to advance. तो हम चाहते हैं आप सब प्रगति करो. Your children should also advance. और आपके बच्चे भी आध्यात्मिक प्रगति करने चाहिए. We should want that our children will not have to take birth again in the material world. हमें चाहिए कि हमारे बच्चे दोबारा भौतिक जीवन में जन्म न लें, भौतिक जगत में. When you bring a child into the world, you should pray that this child should not have to take birth again in the material world. जब आप भौतिक जगत में एक बच्चा लाते हो तो आपको इस प्रकार से प्रार्थना करना है, प्रबंध करना है कि वो दोबारा यहाँ जन्म नहीं ले. In other words, this should be their last birth. दूसरे शब्दों में ये उनका आखिरी जन्म होना चाहिए. They're going to go back to Godhead. वो वापस भगवत धाम जाएंगे. So it's important get at the beginning, train them Krishna consciousness. तो जरूरी है शुरुआत से उन्हें कृष्ण भावना भावित शिक्षा दें, उनको सशक्त करें कृष्ण भावना भावित. And train them to develop the good association. और उनको ये निर्देशन दें कि कैसे वो अच्छा संग प्राप्त करें. Are there any questions? किसी को कोई प्रश्न है आप अब पूछ सकते हैं. Yes. So there are times when we, you know, when we meet somebody or like when we have gone to, you know, certain programs and we have met such type of people who have this
sort of mentality that, you know, like if at all we preach to them that we have to do bhakti, then most of them, they just say that, we will do bhakti only when we are retired, and then when we are, you know, we're done away with all this job and everything, and when we are retired and when we are like 50s, at that time only we will do this bhakti and everything. This isn't, and they say that this is not meant for the young people. So how do we preach to, I mean, what would be your message for those type of people who have this sort of ordinary mentality like that as well? तो प्रभु पूछ रहे हैं कि बहुत बार हम कार्यक्रम में जाते हैं तो हमें ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो हमको बोलते हैं कि भक्ति हम करेंगे जब हम हमारा नौकरी सबसे निवृत्त हो जाएंगे, जब बुढ़ापे में ये सब जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तब हम भक्ति करेंगे, तो अभी भक्ति नहीं करना चाहिए, ये जवान लोगों के लिए नहीं है. तो इन लोगों को क्या कहना चाहिए महाराज जी, बताइए. Well, we can tell them, where is the guarantee that you will live to old age? You have no guarantee. तो हमें उन्हें बोलना चाहिए, कहां से आपको ये पूरा विश्वास है कि आप बूढ़े भी होंगे? क्या क्या इस बात का आपके पास क्या विश्वास है, क्या सबूत है कि आप बुढ़ापे तक भी पहुंचोगे कि नहीं? You have to learn that at old age, very difficult to change because we've got so many habits, so many things we're accustomed to do. It's difficult to teach. Like we say, cannot teach an old dog new tricks. So, हमें उन्हें कहना चाहिए कि बुढ़ापे में बदलना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपने इतनी आदतें पहले ही बना ली हैं. जैसे अंग्रेजी में भी एक कहावत है, एक पुराने कुत्ते को नए तरीके नहीं सिखा सकते हैं. So that's why we say it's much easier in the beginning of life to learn these things. Education is for the beginning of life, right? The children go to school when they're young, it's the time for education. In old age, we don't usually go for education. तो जवानी में, कम उम्र में हम शिक्षा लेने जाते हैं. कम उम्र में कुछ सीख पाना और आसान होता है, राइट? हम कम उम्र में ही शिक्षा लेने जाते हैं. कोई बूढ़ा व्यक्ति विद्यालय नहीं जाता है शिक्षा लेने. तो कम उम्र में ही शिक्षा लेना आसान है. This is just simply people making an excuse to avoid the necessity of taking up devotional service. ये लोग सिर्फ बहाने बना रहे हैं ताकि उन्हें कृष्ण भावनामृत नहीं करना पड़े. ये सिर्फ बहाने दे रहे हैं. They're saying mañana, and it's like the Spanish people, you know. And the Spanish people, they're quite lazy, you know. And they ask them to do something, they will say, Tomorrow I'll do it. Mañana. तो स्पेन में ये कहावत है mañana, इसका अर्थ है आप उनको कुछ करने के लिए बोलो तो वो कहेंगे मैं इसको कल करूंगा. mañana, अभी नहीं, कल करूंगा. ये आलसी है. We should say subhashyase grams. The auspicious thing should be done immediately, not waiting. तो हमें कहना है शुभस्य शीघ्रम, शुभ चीज तुरंत करनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए. It only takes a moment to begin devotional service. Immediately they should do it. Wait. एक क्षण ही चाहिए भक्ति शुरू करने के लिए, तुरंत करना चाहिए. क्यों इंतजार करना है? Because if they have not practiced earlier in life, later in life it will be harder to practice. अगर जीवन के शुरुआत में ही उन्होंने अभ्यास नहीं किया है तो आगे जाके और कठिन होगा. So that training is very important. The train, that's why we say brahmacharya is the beginning of life. The beginning of life you practice brahmacharya life, then you go into grihastha life. If you're not trained in the brahmacharya life,
then when he gets into married life, it will be difficult for him. इसीलिए पहले से ही शिक्षा लेना शुरू करना चाहिए आप ब्रह्मचर्य जीवन में, फिर वो व्यक्ति जाके आगे अच्छा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है. लेकिन अगर उसका अच्छे से ब्रह्मचारी जीवन नहीं बीता है तो गृहस्थ जीवन बिता पाना कठिन होगा. You can read in Srimad Bhagavatam, all of the young men before their marriage, before the father would arrange the marriage, the father would send them first to do tapasya, to go and do austerity, to get some control over their mind and senses, and then come back and then get married. तो हम शास्त्र में पढ़ सकते हैं कि पहले पिता माता बच्चों को पहले ब्रह्मचार्य आश्रम के विषय में सीखने के लिए भेजते थे और फिर जब उनको इंद्रिय में काबू होता था फिर उनका विवाह कराते थे. And married life is not the end. Married life is meant to lead to retirement, to vanaprastha life. और विवाहित जीवन भी अंत नहीं है जीवन का. विवाहित जीवन के बाद वानप्रस्थ, यानी कि हम हमारे भौतिक कार्यों से निवृत्त होके वो जीवन में भी आना जरूरी है. That is successful grihastha life. ये सफल गृहस्थ आश्रम है. You go on to retired life. आगे जाके भौतिक कार्यों से निवृत्त होना है. Where you are able to dedicate yourself fully to the practice of devotional service. जहाँ पर आप पूरी तरह अर्पित हो सकते हो भक्तिमय कार्यों के लिए. So we have many devotees from Dubai, they retired to Mayapur or Vrindavan to take up devotional service. तो बहुत भक्त है दामोदर देश से, वो भौतिक कार्यों से निवृत्त हुए हैं और श्रीधाम वृंदावन और श्रीधाम मायापुर गए हैं वहाँ भक्ति करने के लिए. That is retired life. ये है भौतिक निवृत्त जीवन. That is successful grihastha life. ये सफल गृहस्थ जीवन है. Okay. Any other questions? कोई और प्रश्न? Maharaj, so sometimes during preaching efforts we come across questions, especially from, you know, materially educated young people, and they go to fundamentals, they question that, okay, how do we know that scriptures like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, they actually exist? What is the basis of believing in them? So then they quote contemporary theories and research that, you know, this is something from this university, this has been researched. We don't know anything about who wrote Bhagavad Gita and who spoke Bhagavad Gita. So very fundamental questions. So how should we address such questions, Maharaj? So Maharaj, Prabhu pooch rahe hain, prachar ke dauran humko vyakti milte hain, jo kehte hain kya saboot hai ki ye shastra Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam hai bhi, inka kya astitva hai? और फलाना विद्यालय में, फलाना विश्वविद्यालय में काफ़ी इस बारे में गहराई से उन्होंने खोज की है कि नहीं नहीं, ये जो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता है ये तो कोई आम व्यक्ति ने लिखा है, इसका क्या अस्तित्व है, तो उन लोगों को क्या कहा जाए? Well, the scriptures, they're also recognized by the universities, by the higher education. They also recognize that there's Bhagavad Gita and there's Srimad Bhagavatam. You have professors who study and who write commentaries on these books. You know, they're also taking an interest in these books. तो बहुत विश्वविद्यालयों में लोग मान रहते हैं इन शास्त्रों को, यहाँ तक कि इन शास्त्रों को पढ़ाया जाता है, इनको पढ़ते हैं और इन पे टिप्पणियाँ भी लिख रहे हैं. You can read, there's so many statements of famous men and philosophers who read Bhagavad Gita and who appreciated the depth of wisdom and knowledge and valued it. There are quotes by people like Emerson and Thoreau and Mahatma Gandhi and so many great men in history. They all read Bhagavad Gita. Albert Einstein even read the Bhagavad Gita. They were all deeply impressed. बहुत सारे लोग हैं उन्होंने भगवत गीता पढ़े और बहुत प्रभावित हुए थे कि इसमें इतना अनंत ज्ञान है. और कई लोग हैं जैसे आइंस्टाइन, टोरो, महात्मा गांधी,
इस प्रकार से बहुत व्यक्ति हैं जिन्होंने सराहा है कि भगवत गीता में इतना विशेष ज्ञान है. So people are looking for knowledge, then they have to be willing to read these kind of books. They cannot just simply say, oh, I can't accept it. So many other great men have accepted these scriptures and benefit from it, so why they cannot read Bhagavad Gita? तो अगर आपको ज्ञान पाना है तो आपको ये पढ़ना होगा. आप नहीं कह सकते मैं भगवद गीता नहीं पढ़ूंगा. इतने और महान व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवद गीता इत्यादि पढ़ा है और इससे लाभ उठाया है, तो आप कौन हो कि आप बोलोगे मैं नहीं पढ़ूंगा. And they find it difficult to read, they can't understand the book very well. Come and associate, we will teach them, we have classes on the book. और अगर आपको कठिनाई होती है पढ़ने में, नहीं समझ पा रहे हो, तो आओ भक्तों का संग करो, हम समझाएंगे. हम काफी कथाएं होती हैं भगवत गीता पर. We have very enlightened teachers to guide you, to help us to understand these teachings more. बहुत आत्म साक्षात्कार किए हुए शिक्षक हैं हमारे पास जो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं ये शिक्षा को और समझने में. So people are really eager for knowledge. If they're looking for answers to questions, then we invite them to come and hear. तो अगर लोग ज्ञान ढूंढने के लिए उत्सुक हैं, ज्ञान ढूंढना चाहते हैं इन चीजों के लिए, तो हम उनको आमंत्रित करते हैं, आओ और सुनो. They have questions, we have the answers. Everything is there in our book. उनको प्रश्न है तो हमारे पास जवाब है, सब कुछ हमारे पुस्तक में है. For tomorrow's program, they're calling. So we have to impress upon them the importance of reading and hearing these scriptures to get that spiritual knowledge. तो हमको उनको बताना है महत्व, ये शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए. And to help them, it's so much easier if they will chant Hare Krishna, if they will come to the kirtan. Join the kirtan and chant the holy name in the association of devotees. Then once they do that, then it's so much easier to give the knowledge. और भी आसान होगा अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, अगर वो भक्तों के संग में आते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो और आसान होगा ये ज्ञान समझने के लिए. The holy name destroys the sinful reactions which are stopping people from coming into devotional service. भगवान का पवित्र नाम पाप कर्मों का नाश करता है जो लोगों को रोक रहे हैं भक्ति में जीवन में आने के लिए. But once they start to chant Hare Krishna, all that karma is removed and they it becomes so much easier for them to hear. और जब वो हरे कृष्णा बोलने लगते हैं तो वो सारे कर्म निकल जाते हैं और भक्ति कर पाना और आसान हो जाता है. ओके, हरे कृष्ण. यस, या वन मोर क्वेश्चन आई हैव इज दैट लाइक आई वाज आल्सो लिसनिंग टू वन ऑफ प्रभुपाद्स लेक्चर्स वेयर ही वाज चैस्टाइजिंग दोस ग्रेट इंडियन लीडर्स विवेक स्वामी विवेकानंद लोकमान्या तिलक एंड ऑल दोस पीपल. सो वाज इट दैट प्रभुपाद वाज अगेंस्ट their leadership, or was he like what I